हेलो बच्चों, वेलकम टू एलआरआर क्लासेस। जैसा कि बच्चों आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ गए हैं, मैं ये लास्ट वीडियो आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ। इसमें 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आप वीडियो पढ़ के जाइए और फिर देखिए, आप आपके पर बहुत अच्छा होगा। तो हमने सबसे पहले, यानी इसमें पूरी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक भी है और फिजिकल केमिस्ट्री भी है। तो पूरी वीडियो हमारी देखिए और जैसा हम कह रहे हैं वैसा करिए, फिर उसके बाद देखिए आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक रसायन पूछा जाता है, कुछ रिएक्शंस पूछे जाते हैं। तो एक हमने एग्जांपल दिया यहाँ पर क्लेमेंसन रिडक्शन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्लेमेंसन रिडक्शन, यानी क्लेमेंसन अपचयन क्या है। कभी कभी पूछता है कि आप सिर्फ इसकी इसको डिफाइन कर दीजिए, उसके साथ रिएक्शन दीजिए, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि ओनली राइट द केमिकल रिएक्शन, केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो क्या है क्लेमेंसन रिएक्शन बच्चों? देखो, ऐसा है कि जब एल्डिहाइड या कीटोन को जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं, यानी हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, तो बन जाता है एल्केन। यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हमने कि एसीटोन है, ये क्या है, ये एसीटोन, इसको प्रोपिलीन भी कहते हैं। जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl के प्रेजेंस में रिडक्शन कराया तो बन गया प्रोपीन। दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। ये इस तरह से पहला क्वेश्चन हमने बताया। इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बच्चों। इस वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट आगे 40 क्वेश्चन दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने बताया इस तरह से कि पूछते हैं कि उसमें रिमर टाइमन बहुत रिएक्शन है, हमने सब सारी अपनी वीडियोस में अपलोड कर दिया, प्लीज़ उसको पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछते हैं कि कैसे परिवर्तित करोगे, मीन्स हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, निम्नलिखित को कैसे परिवर्तित करोगे। जैसे कहा कि फिनाल को पिक्रिक एसिड में, ये पिक्रिक एसिड है, फिनाल को पिक्रिक एसिड में कैसे आप बदलोगे, परिवर्तित करोगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब फिनाल रिएक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 एंड रिएक्ट्स विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, एलो लिक्विड इज ऑब्टेन्ड, दैट इज पिक्रिक एसिड। कहने का मतलब ये है कि फिनाल जब कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो हमें मिलता है पिक्रिक एसिड। ये एक इसको यूज़ करते हैं विस्फोटक बनाने में, एक्सप्लोजिव बनाने में। यानी देखो, ये दूसरी पोजीशन हो गई 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन गई, ये बन गया ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हमें मिलेगा। तो इस तरह से हम फिनाल से पिक्रिक एसिड बना लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछता है बच्चों, वो ये पूछता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब, ठीक है। सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया कि एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, एनिलीन का रिएक्शन ब्रोमीन जल से होता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये रिएक्शन लिख दिया हमने, ये भी दूसरी पोजीशन है, ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा है, ये भी ऑर्थो है, तो दूसरा नंबर, ये चौथा नंबर होता है, ये छठा नंबर। तो हम कह सकते हैं कि 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इस तरह से जब रिएक्शन करेगा एनिलीन ब्रोमीन वाटर से तो बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। इस तरह से हम लोग रिएक्शंस करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस तरह से हमने सारे रिएक्शंस आपको दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट, प्लीज़ उनको ज़रूर पढ़िएगा। और इस वीडियो में आगे हम और आपको बताएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आगे जो क्वेश्चंस करता है कुछ कॉन्सेप्ट बेस पे करता है कि हमने एक एग्जांपल दिया जैसे कि ClCH2COOH क्लोरोएस्टिक एसिड, यह है क्लोरोएस्टिक एसिड, इज द स्ट्रांगर एसिड देन एस्टिक एसिड। कि क्लोरोएस्टिक एसिड जो है
ये स्ट्रांग होता है किससे? स्टिकम्ल से। ठीक, मतलब क्या हुआ इसका कि ज़्यादा एसिडिक है ये, क्लोरोस्टिक एसिड इज मोर एसिडिक, ज़्यादा अम्ली है इसके तुलना में, स्टिकम्ल के तुलना में। रीज़न क्या है? तो रीज़न ऐसा है कि अगर रीज़न देखोगे तो रीज़न ये है कि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Cl जो है क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। माइनस आई इफेक्ट माने ट्रेणिक प्रभाव जिसको बोलते हैं, ऋणात्मक ट्रेणिक प्रभाव यहाँ पर उत्पन्न होगा, जिसके वजह से ये ज़्यादा प्रोटॉन यानी अंतर प्रोटॉन माने जो भी एसिड ज़्यादा प्रोटॉन देता है वो ज़्यादा अम्ली होता है, यानी ज़्यादा एसिडिक नेचर उसका होता है। तो यहाँ पर क्या है कि CH3 क्या है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट रहेगा, इससे ये कम प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा। इसमें क्या होगा कि एसीटेट आयन बिकम्स मोर स्टेबल ड्यू टू Cl, समझाए बात, ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, इसीलिए ये ज़्यादा प्रोटॉन Cl CH2CH प्रोड्यूस करता है, सो इट इज़ मोर एसिडिक दैन एसिटिक एसिड, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा H+ आयन के फॉर्म में। तो ये था कुछ क्वेश्चंस किस तरह से बोर्ड में पूछते हैं, इनको रिप्लाई कैसे करना है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बच्चों हमने आपको बताया। अब कुछ क्वेश्चन जैसे हैं कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपको पता है कि डी ब्लॉक कहाँ पाया जाता है, ट्रैक टेबल में बीच पाया जाता है, अच्छा ठीक, डी ब्लॉक, इसको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं, क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आप लोग देख लीजिएगा, हम बता भी दे रहे हैं कि n-1 d1 to 10 ns2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व कहते हैं। दूसरा पॉइंट जो हम कहेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, ठीक, पेयर टेबल में बीच में पाए जाते हैं, ठीक, चार सीरीज में पाए जाते हैं, चार श्रेणियों में पाए जाते हैं, 3D, 4D, 5D and 6D। तो इस तरह से आप पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। और उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, परिवर्ती संरचना व्यक्त करते हैं, ठीक, रंगीन आयन बनाते हैं, दे मेक कलर्ड आयन्स, ठीक है, दे मेक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये जटिल यौगिक बनाते हैं जिसको आप संयोजन यौगिक भी कहते हैं, दे मेक, और कैटलिटिक, दे शो कैटलिटिक प्रॉपर्टीज, यानी उत्प्रेरक वाले गुण पाए जाते हैं इनके एलिमेंट्स में। तो इस तरह से हम पॉइंट टू पॉइंट डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को लिखेंगे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आपको बताया कि इस तरह से आप रिप्लाई करेंगे, और अभी तक हमें पढ़ाने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आज हमने सोचा क्योंकि अब ये लास्ट वीडियो है केमिस्ट्री की, ठीक है, तो आज पढ़ा देते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ा भी दिया, इस तरीके से आपको करना है, सॉल्व करना है, और आगे हम आपको और भी क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इस तरह से आप उनको पढ़ के जाइए। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा देर मत करिए और हमसे ज्ञान प्राप्त करते रहिए। अगला क्वेश्चन है कि राउल्ट्स लॉ क्या है, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या है? तो राउल्ट्स लॉ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, राउल्ट्स लॉ
राउंड्स लॉ क्या है, हम जब राउंड्स लॉ को डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे राउल्ट का नियम क्या है, तो वहाँ पर पहले एक फार्मूला लिखेंगे पी नाट माइनस पी एस अपॉन पी नाट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। ये पी नाट माइनस पी एस क्या है, ये वाटर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का, विलायक का। ये किसका है, सॉल्यूशन का। अपॉन पी नाट इज इक्वल टू एक्स यानी मोल फ्रैक्शन, ये क्या है, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज है किसका, या मोल अंश सॉल्यूट का, विलेय का। हम अपनी भाषा में लिखेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। उसको हिंदी में हम लोग कहेंगे कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन समानुपाती होता है किसके, विलेय के मोल अंश के। यही राउल्ट का नियम है, दिस इज राउल्ट्स लॉ। इट मीन्स लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस इज राउल्ट्स लॉ। तो बच्चों इस तरह से आप लोगों को डिफाइन करना है, और डिफाइन करने के बाद जहाँ मेन पॉइंट्स होगा वहाँ पर हाईलाइट भी करिएगा, और क्या कहते हैं अच्छे वे में करिएगा। तो ये हमने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। अब इसके साथ हमने कुछ पेजेस अटैच कर दिया है, कुल मिला के उसमें 40 क्वेश्चन है, बच्चों उसको देख लीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हमारे साथ जुड़े रहिए, और लोगों को भी जोड़िए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों। ये हमने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए हैं, 3 पेज हैं इसमें। ये देखिए राउल्ट्स लॉ यानी भौतिक रसायन दे दिया है हमने, यानी फिजिकल केमिस्ट्री का सारा इम्पोर्टेंट है, फिर ये इनऑर्गेनिक का इम्पोर्टेंट है, फिर अगला पेज आता है ये देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बनिक रसायन है ये, इसमें रोजनमुंड रिएक्शन ये सारे हमने फाइनल रिएक्शंस दिए हैं, अभिक्रियाएँ दिया है, आप इसको खूब अच्छे से पढ़िए। और पहले हमारे क्वेश्चंस पढ़िए जो हमने फाइनली दिया है, हमने और वीडियोस भी अपलोड किए हैं उसको भी देख लीजिएगा, फिर अपना पढ़िएगा। और ये लास्ट पेज है, ये देखिए कि क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस व्हेन, और अदर्स इम्पॉर्टेंट भी हमने दिए हैं, इनको अच्छे से खूब पढ़िए, तैयारी करिए, बेफिक्र रहिए। विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।